नमस्कार। आज 9 ऑगस्ट क्रांति दिनाच्या मी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। आज महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचा वर्धापन दिन सुद्धा आहे, त्याबद्दल सुद्धा महाराष्ट्र प्रदेशच्या युवकांना सगळ्यांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो। गेल्या 6 वर्षापासून या मोदी सरकार विरुद्ध महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस झगडते। महागाई असो, बेरोजगारी असो, या सर्व विषयावर, या सर्व निकषावर हे सरकार उचकामी ठरलेलं आहे, अपयशी ठरलेलं आहे। देशात कधी नव्हती तेवढी बेरोजगारी गेल्या 6 वर्षात वाढलेली आहे। 2 कोटी रोजगार देणारे मोदी आज त्याच्यावर काही बोलायला तयार नाही, आणि म्हणून आज महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसने वर्धापन दिनानिमित्त रोजगार द्या अशी महत्त्वाची मागणी केंद्र सरकारकडे केलेली आहे, त्याला आमचा सगळ्यांचा सक्रिय पाठिंबा आहे। मी युवक काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी हे कॅम्पेन आज सुरुवात केलेली आहे, आणि अतिशय नेटाने हे कॅम्पेन देशभरात चालवण्याची गरज आहे। महाराष्ट्रातला आणि देशातला प्रत्येक काँग्रेसचा कार्यकर्ता तुमच्या पाठीशी आहे, आमचाही सक्रिय पाठिंबा तुम्हाला कायम राहील, एवढंच या निमित्ताने सांगतो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मैं दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले तो मैं अगस्त क्रांति दिन के मौके पे सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चलते वैसे ही आज 9 अगस्त युवक कांग्रेस का स्थापना दिन है। मैं मेरे सभी युवक कांग्रेस पदाधिकारी, सभी मेरे कार्यकर्ता, सभी लोगों को भी आज युवक कांग्रेस के स्थापना दिन के भी मौके पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं, केंद्र बीजेपी सरकार को आज 6 साल हो गए। 6 साल में जो जो इन्होंने वादे किए पूरे नहीं किए, जैसा कि आप सब जानते हैं 2 कोटी रोजगार हर साल इन्होंने वादा किए थे, आज 6 साल हो गए। 6 साल के हिसाब से बोले तो 12 कोटी रोजगार इन्होंने देना चाहिए, मगर एक भी आज इन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया। नोटबंदी के जब इन्होंने नोटबंदी की तो देश की क्या हालत होगी आप सबने देखा, जिस तरह से इन्होंने वादे किए, स्मार्ट सिटी रहो या और जो भी वादे किए, डेवलपमेंट रहो, विकास करने के माध्यम से बोलने के इनके वादे रहो, सब ये झूठे साबित हो गए। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये जातिवादी पार्टी है। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो खेल रचा है 6 साल में, सिर्फ एक दूसरे को लड़ाना और सत्ता हासिल करना, ये हम आगे नहीं होने देंगे। आज कोरोना महामारी से पूरा देश परेशान है, कहाँ पर है केंद्र सरकार के मिनिस्टर? आज लोग परेशान है, उनको मदद आज सही तरीके से पहुंच रही नहीं पहुंच रही, उनका इलाज सही हो रहा या नहीं हो रहा, ये कोई देखने को तैयार नहीं। मैं फिर से ये इनका केंद्र सरकार का मैं निषेध